फ्रेंड्स वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड आज का वीडियो हमारा टेंसिल से है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं मशीन से और स्टिचिंग से जुड़ी वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे, ठीक है फ्रेंड। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है ये टेंसिल है, टेंसिल अगर हमारी मशीन में ख़राब होती है तो हमारी सिलाई ख़राब आती है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, और टेंसिल को आप अपने से घर पर खुद से कैसे आप इसे सेट कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड जैसे कि मान लीजिए आपकी टेंसिल लूज़ है, ठीक है, लूज़ है, और आपकी नीचे की जो बखिया है वो ढीला ढीला आ रही है या बहुत गुच्छा गुच्छा आ रही है, तो आपको क्या करना है, टेंसिल को सेट करना है, ठीक है। तो टेंसिल को देखिए, आप देख रहे हैं ये इतना पे है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जब टेंसिल आपकी इतना पे हो और धागा अच्छे से टाइट आए तो समझना कि आपकी जो सेटिंग है टेंसिल की वो एकदम परफेक्ट है। तो मैं आपको इसमें टेंसिल में धागा लगा के आपको दिखाती हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह से होती है। देखिए आप देख रहे हैं मैं धागा को टान रही हूँ, पर इसका प्रेशर एकदम परफेक्ट है, इसलिए धागा हमारा देखिए एकदम टाइट से आ रहा बाहर। इससे क्या होगी, हमारी जो नीचे की जो बखिया है वो एकदम परफेक्ट आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से हम टेंसिल को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा रिजल्ट आपके सामने है, देखिए आप देख रहे हैं धागा बहुत ही आसानी से निकल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, ऑटोमेटिक नीचे से जो हमारा जो सिलाई है वो गुच्छा गुच्छा तो आना तो बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेटिंग को फिर से टाइट कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं टाइट करके भी आपको दिखाऊंगी इसकी धागा किस तरह से हमारा बाहर आ रहा है। देखिए इतना पे इसे टाइट करना, अब देखिए देखिए आप खुद देखिए, मैं इसे पूरा ज़ोर से टान रही हूँ अपने तरफ पर, देखिए आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सेटिंग को हमें इस तरह से ठीक करना है, ठीक है। अब चलिए टेंसिल को हम घर पे खुद से किस तरह से रिपेयर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है जब टेंसिल को हम खुद से रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो हमें मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, और मैकेनिक इसका अच्छा खासा चार्ज बना देता है। और आप भी जानते हैं इस कोरोना वायरस में कोई भी बाहर जाएगा तो आप समझ रहे कितना ये नुकसानदायक है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो क्यों ना ऐसी प्रॉब्लमों को हम खुद से घर पर ठीक करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटी सी पेचकस की ज़रूरत है जो हमारे पास है, ठीक है, और इसे हम लेंगे। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए इस जगह मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ, देखिए इस जगह आपको एक नट दिख रही होगी, ठीक है। इस नट को हम करेंगे लूज़ करना है। मान लीजिए आपकी ये लूज़ हो चुकी है, ठीक है, लूज़ होके ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरह से ये बाहर आ जा रही है, सिलाई करते करते ये बाहर आ चुकी है, और ये अगर बाहर नहीं भी आ रही है, ये ख़राब हो चुकी है या टूट चुकी है, तो इस तरह से नट को आपको खोल लेना है और इसे आप आराम से बाहर निकाल लोगे, और इसे दूसरा लेके आप दुकान से आप इसे खुद से सेट कर दोगे, ठीक है। देखो इस तरह से जो भी इसमें पार्ट पुर्जे हैं उसे आपको आराम से सेट करना है प्लेट बाय प्लेट, जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है इसे प्लेट को किस तरह से साफ किया जाता है। तो चलिए मैं आपको साफ करके भी दिखाई देती हूँ। और जैसे मैंने नट निकाल दिया, इसकी स्प्रिंग को हम निकाल लेंगे, और देखिए इसमें धागा ऑलरेडी फंसी हुई है तो इसे भी हम निकाल देंगे। फ्रेंड इसमें अगर धागा बाय चांस अगर फंस गई है तो उससे भी क्या होता है, धागा हमारा बार बार टूटता है, ठीक है। ये तो मैं आपको भी करके दिखा रही थी, तो इस तरह से ये आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से हम प्लेट को सेट कर देंगे, देखिए कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली इस प्लेट को हमें सेट करना है। सेट करने के बाद देखिए इस तरह से हम नट को लगा लेंगे, और इसमें हमें ऑयल भी डालना होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम ऑयल भी डाल लेते हैं, देखिए इसमें हम ऑयल भी दे देंगे इस तरह से, ऑयल डाल के इसे सेट कर देंगे। ऑयल डालने से क्या होता है फ्रेंड, हमारी मशीन फ्री रहती है हर जगह से, कभी जाम नहीं पड़ती है, सिलाई करते करते ये बाहर नहीं आती है, धागा रुकने टूटने छूटने का या फंसने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जिस तरह से हम
हमारे लिए पानी ज़रूरी होती है, ठीक उसी तरह से मशीन के लिए ऑयल ज़रूरी होती है। देखिए इसे हमने इतने पे सेट किया है, ठीक है। तो आप किसी भी मशीन की टेंसिल को इसी तरह से आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने आपको आज टेंसिल को रिपेयर करने बताया है। आप किसी भी मशीन की टेंसिल को आप खुद से घर पे रिपेयर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसे चेंज करना बहुत ही आसान है और टेंसिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया ही आज, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा और टेंसिल जो हमारी मशीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसे आप खुद से घर पर ठीक कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक मशीन की नई प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।